नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हो सर जी? आज जो ट्यूटोरियल देंगे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट में, जो हम लोग एक गाना गाए हैं किशोर दा का, उसको हम वोकल प्रोसेसिंग एंड मिक्सिंग करेंगे। चलिए ये वाला ट्रैक थोड़ा सा सुन लेते, कैसे है ट्रैक। ठीक है, तो ये वाला वोकल है, इस वोकल को हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका पूरा मिक्सिंग करेंगे और एक एक चीज़ क्या क्या हम लोग किया है उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने वोकल को यहाँ पे देखिए, एक छोटा छोटा पोर्शन है जिस पोर्शन को मैंने, जहाँ पे मैंने अच्छा गया था वहाँ से मैंने लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अभी मैं इसको बाउंस करता हूँ। अभी इसका स्केल है डी मेजर। ओके, मैंने ऑटो ट्यून लगाया, देखिए डी जस्ट मेजर। ठीक है, उसके बाद एडवांस में जाके मैंने सेट मेजर कर दिया। चलिए इसका हम ऑटो ट्यून को पहले लगा के देखते हैं क्या क्या ये काम करते हैं। जब ना दिया जिंदगी ने कभी फिर सितम। ठीक है, फ्लेक्स ट्यून को पूरा बंद कर देता हूं। जब ना दिया जिंदगी ने कभी। ठीक है, ये वोकल पे ज्यादा सा ध्यान मत दीजिएगा कि मैं अच्छा सिंगर हूं नहीं, बट फिर भी कोशिश किए ये गाना गाने के लिए। तो चलिए इसको इन डिटेल हम देखते हैं कितना अच्छा हम इसको बना सकते हैं। तो पहला हम जो करेंगे कि इसमें कौन सा नोट मुझे आ रहा है वो एक बार हम लोग देख लेंगे। जैसे कि देखिए डी मेजर में मैंने डी जस्ट मेजर सिलेक्ट किया था, ऑल्टो टेनर सिलेक्ट किए इनपुट टाइप, एंड यहाँ पे सेट मेजर कर दिया था। सेट मेजर, तो सेट मेजर जब ही किया वो सेट हो गया। तो सेट जब हो गया, देखिए यहाँ पे डी है, ई है, एफ शार्प है, जी है, ए है, बी है एंड सी शार्प है, बाकी सारे ये सब बाईपास्ट है। चलिए इसका हम ऑटो ट्यून करते जल्दी से, वेरी ऑडियो से करेंगे। प्यार जब ना दिया, प्यार जब ना दिया, प्यार जब ना दिया, प्यार जब ना दिया, प्यार जब ना, प्यार जब ना दिया, प्यार जब ना दिया। यहाँ पे कम करता हूँ। प्यार जब ना दिया, प्यार जब ना दिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको आगे लेके आएंगे एंड इसको भी आगे लेके आएंगे। अब इसको थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, देखिए ये जो ट्रांजिएंट है, ये पोर्शन मैंने आगे लेके आया, ये कॉर्नर भी आगे लेके आया, इसका मतलब ट्रांजिएंट में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अंदर में जितना भी शूरमन है उसको मैंने स्ट्रेट किया, ऐसे भी
सुन लेते हैं। दिया जिंदगी ने कभी दिया, जिंदगी ने कभी दिया, जिंदगी ने कभी दिया प्यार जब ना दी, प्यार जब ना दी, प्यार जब ना दिया, प्यार जब ना दिया, जिंदगी ने कभी जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ। अच्छा, हम पूरा वेरी ऑडियो का जो प्रोसेस है जल्दी करके आपके पास आता हूँ। जिंदगी ने कभी चलिए हम लोग पूरा कर लिए हैं, फिर भी छोटा छोटा एक चीज़ हम लोगों को बता देते हैं कि कई कई पे कहीं भी वर्ड में हम लोग, मैंने अगर कोई हर्ष गा दिया, मतलब ज़्यादा साउंड हो गया, तो उसमें हम लोग एक छोटा सा ट्वीक कर रहे हैं कि वो वाला नोट को पकड़ के हम लोग वॉल्यूम को थोड़ा डाउन कर रहे हैं। देखिए, फिर सितमगर कौन हुआ, कौन हुआ, ये सितमगर गर गर में थोड़ा सा मैंने डाउन कर दिया वॉल्यूम को। सितमगर कौन हुआ आदमी या जिंदगी, आदमी या आदमी या आदमी या मिया मिया आ, 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 दो डीबी के आसपास, ठीक है। आदमिया जिंदगी, ये आपको ना पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप वेरी ऑडियो से ट्वीक कर रहे हो और ऑटो ट्यून लगा रहे हो, तो उसके पहले इस वेरी ऑडियो के थ्रू जितना भी आप करेक्शन कर रहे हो नोट का, उस टाइम पे ये ध्यान आपको देना चाहिए इसका, कहाँ कौन सा वर्ड में
ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं कीजिएगा तो ये कंप्रेसर का थ्रू अगर करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सा वेरिएशन आ जाएगा आपका गाने के अंदर, बहुत लाउड हो जाएगा, बहुत कहीं कहीं के बहुत धीमे हो जाएंगे वार्ड में, तो उसी को कंप्रेसर फिर ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे तो कंप्रेसर को ऊपर ज़्यादा सा काम हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग ई वाला चीज़ कर लेते तो जाने सभी तो जाने सभी। ये ना सुनते सुनते आपको कान में थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। अगर मैं कर पा रहा हूँ इसका मतलब आप भी कर पाओगे, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर। जितना आप सुनोगे, जितना आप इसके ऊपर काम करोगे, उतना आपको इजी होते जाएगा। चलिए हम लोग पूरा ऑटो ट्यून का पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग इसका प्रोसेस में जाएंगे। देखिए वाला नॉइस है, नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ और इस करने के बाद आपके पास आता हूँ। जिंदगी में कभी फिर से तुम्हें कौन हो, फिर से तुम्हें कौन होगा, आदमी 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 या जिंदगी 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 प्यार सपना की। मेरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग इसका ऊपर इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे, एक एक करके देंगे और उसका आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए अभी हम लोग इस वोकल का ईक्यू करते हैं, तो एक जगह में हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको हम ईक्यू करेंगे, ठीक है, इस पोर्शन को करते तो इस जगह को हम सिलेक्ट करते हैं, पी प्रेस करता हूँ, इसको लूप कर लेता हूँ, हुआ, कीबोर्ड से वन प्रेस कर लिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को ले आने के लिए। अभी हम लोग इसका ऊपर देखिए, ऑटो ट्यून हमने सेट कर दिए है, वेरी ऑडियो से मैंने ट्विक कर दिया, अब ये वोकल मोटा मोटा सही लग रहा है। अभी इसके आगे हम लोग फेवरेट प्लगइन मेरा है प्रो क्यू थ्री, ये देंगे, इसको क्लियर क्लीन कर दूंगा। अभी हम सुनते हुए करते हैं, चलिए देखिए डी मेजर का स्केल है। सजा ये तो जाने सभी कोई, मैंने 135 हर्ट्ज के आसपास एक लो कट किया। सजा अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा स्क्वीज कर देंगे बैंड को, सुनते हुए सजा ये तो जाने सभी कोई मुजरिम क्यों। बहुत सारे, अभी हम एक देखते हैं, हर्ष फ्रीक्वेंसी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा तरह से ईक्यू करना पड़ेगा इसको। सजा ये तो जा, देखिए हम मैंने क्या किया, ये हेडफोन को जो है इसको हम सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको पकड़ के मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ, सो दैट जो रेजोनेंस है वो मेरे को समझ में आ जाएगा और उसी को, उस फ्रीक्वेंसी को हम काट कर लेंगे।
है सजा, ये तो जाने सभी, कोई मुजरिम क्यों बना। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जितना भी रेजोनेंस है सबको कर दूंगा, तभी इसका जो डायनेमिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उसी फ्रिक्वेंसी को पकड़ूंगा जो हमारा वोकल को खराब कर रहा है, ठीक है। सजा ये तो जाने सभी, कोई मुजरिम क्यों बना, ये नहीं माने कभी, साथ जब ना दिया। हाँ जुर्म की है सजा, ये तो जाने सभी, कोई मुजरिम क्यों बना, ये नहीं माने कभी, साथ जब ना दिया। हाँ जुर्म की है सजा, ये तो जाने सभी, कोई मुजरिम क्यों बना, ये नहीं। देखिए, इसके बाद ये जो फ्रिक्वेंसी मैंने किया 677 मतलब 6.7 के हर्ट्ज के आसपास, इसका ऊपर भी मेरा बहुत सारे फ्रिक्वेंसी हो सकता है। तो मैं अरिस यहाँ पे मेरे को कोई और बैंड भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसमें और एक EQ लूँगा, ठीक है, और उसमें उस फ्रिक्वेंसी के बाद मैं क्लीन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत क्लीन हो गया मेरा वोकल। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कंप्रेशर अप्लाई करेंगे। तो कंप्रेशर अप्लाई करने के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक FX चैनल लेंगे और मैंने यहाँ पे ट्यूब कंप्रेशर को लूंगा। प्यार जब ना दिया, ठीक है। अभी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने इन पे ले लिया ट्यूब कंप्रेशर, चलिए करते। प्यार जब ना दिया जिंदगी में कभी, फिर से तुम गर कौन हुआ आदमी या जिंदगी। प्यार जब ना दिया जिंदगी में कभी, फिर से तुम गर कौन हुआ आदमी या जिंदगी। जुर्म की है सजा, ये तो जाने सभी। हाँ जुर्म की है सजा, ये तो जाने सभी, कोई मुजरिम क्यों बना, ये नहीं माने कभी, साथ जब ना दिया जिंदगी में कभी, फिर से तुम गर कौन हुआ आदमी या जिंदगी, आदमी या जिंदगी। ठीक है, मैंने कंप्रेसर से ठीक कर लिया, ओके। अभी हमको क्या करना है, इस ट्रैक को ऊपर देखिए, जितना भी प्लगइन मैंने यहाँ पे लगाया इसका काम ख़त्म हो गया। अभी इस ट्रैक को मैं म्यूट करके डिजेबल कर दूंगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सब कुछ इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। इसको हम बाउंस कर देते हैं, ये मेरा ट्रैक आ गया। अभी इसका ऊपर सुनते इसका एक बार इसके साथ। जिंदगी ने प्यार जब ना दिया, जिंदगी ने कभी, फिर सितम गर कौन। वोकल अच्छा हो गया इसमें। अभी इसको सोलो करके सुनते हैं कि जितना भी डायनामिक्स मेरा चल गया पहले EQ करने से, तो वहां पे दिया थोड़ा सा शार्प करने का जरूरत है। जिंदगी ने कभी, चलिए करते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी लेता हूँ स्टॉक प्लगइन से। दिया जिंदगी ने कभी, फिर से तुम गर कौन हुआ आदमी या जिंदगी। प्यार जब ना दिया
जिंदगी में कभी फिर से तुम कर कौन हुआ आदमी या जिंदगी आदिया जिंदगी में कभी फिर से तुम कर कौन हुआ आदमी या जिंदगी प्यार जब ना दिया जिंदगी में कभी फिर से तुम कर कौन हुआ। देखिए यहाँ पे मैं 700-800 के आसपास एक नजल दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 600 के आसपास मैं थोड़ा सा काट किया 2 dB 2.4 dB और यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट किया लो एंड पे। मेरा वोकल का प्रेजेंस ले आने के लिए मैंने ये 4K 4.6K 5K के आसपास मैंने 2.7 dB का बूस्ट किया है थोड़ा सा दिया। जिंदगी ने कभी फिर से तुम कर कौन हुआ आदमी या जिंदगी प्यार जब ना दिया जिंदगी ने कभी फिर से तुम कर कौन हुआ आदमी या जिंदगी, ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी लग गई। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टीबैंड कंप्रेसर लेंगे कि जितना भी फ्रीक्वेंसी हम लोग काटे और आगे उसमें बूस्ट किया तो थोड़ा सा डायनामिक हिल गया उसमें, तो अभी उस सारे फ्रीक्वेंसी को रीबैलेंस करने के लिए एक मल्टीबैंड कंप्रेसर लेंगे और इसको ट्वीक करके हम देखेंगे कितना दूर तक वोकल को और भी क्लियर बना सकते हैं हम लोग, और उसके साथ जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा जो स्टिकिंग आउट कर रहा था मेरा पूरा थ्रू आउट द वोकल उसको हम सही करेंगे मल्टीबैंड कंप्रेसर से। चलिए मल्टीबैंड कंप्रेसर लिखते हैं, अभी सुनते हुए करते हैं। जिंदगी में कभी फिर से तुम कर कौन हुआ आदमी या जिंदगी प्यार जब ना दिया जिंदगी में कभी फिर से आदमी और मेरा थोड़ा सा शार्पनेस ज्यादा आ रहा था तो मैं इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे थोड़ा सा कट किया। आदमी या जिंदगी, अभी मेरा नेक्स्ट प्लगइन होगा, यहाँ पे मैं ये वोकल को थोड़ा सा स्प्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी भी मैंने कुछ ऐसा कुछ एक्साइटर बोलिए कोई फ्रेश एयर बोलिए जिसमें एयर ऐड करना है और डिस्टॉर्शन बोलिए कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगा, अभी मैं ये चीज़ करूँगा और इसमें मैं NX स्टीरियो को दूँगा थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए इसका वोकल को। दिया जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ आदमी या जिंदगी, ठीक है। अभी सुन के अब देखेंगे कि इसमें DSR का जरूरत है कि आदिया जिंदगी ने कभी तम, जहाँ पे जरूरत नहीं होगा तब मैं वहां पे DSR नहीं दूंगा, अगर जरूरत पड़े तब भी। जिंदगी ने कभी कीने का जिंदगी, यहाँ पे जिंदगी ने कभी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा DSR देता हूं तो जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन, सितमगर यहाँ पे सुनिए, देखिए कौन सा जगह में मेरा DS हो रहा है, इस जगह को सप्रेस कर रहा है DS, ये वाला फ्रीक्वेंसी को कट कर दी इस जगह में, ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, ठीक है। इसके आगे मैं एक लिमिटर दूंगा, मेरा वोकल वोकल को थोड़ा सा राउंड अप करने के लिए मैं 1-2 dB तक काट करना चाहता हूं। जिंदगी ने कभी आदमी या जिंदगी हुआ,
आगे यहाँ पे मैं फ्रेश एयर ऐड कर लूंगा। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। सुनते हुए कर जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। चलिए अभी इसके बाद हम लोग रिवर्ब अप्लाई करेंगे या डिले अप्लाई करेंगे। तो रिवर्ब हम यहाँ पे लेंगे इफेक्ट्स ट्रैक में वालहला, विंटेज रिवर्ब ये वाला अप्लाई करेंगे। अच्छा डिले मेरा ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं डिले भी अप्लाई करूँगा। चलिए अभी इस अब इसके बाद ना थोड़ा गेन स्ट्रेचिंग हम करेंगे बाद में सुनते हुए वोकल के ऊपर। अभी हम सेंट आउट पे फल्लला को देंगे, सुनेंगे। जिंदगी ने कभी जिन ठीक है। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। ठीक है अभी मेरा ये वल्लल के ऊपर मैंने ईक्यू करूंगा। देखिए इस रिवर्ब को कितना टेक्निकली मैं अप्लाई करना चाहता हूं, ये एक आर्ट है। सुनिए जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ। देखिए मैं इस रिवर्ब का लो एंड नहीं ले रहा हूँ, मैं लो एंड को काट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रिवर्ब बहुत ही स्मूथ एंड क्रिस्पी होना चाहिए जो वोकल के साथ ओवरलैप करेगा, वोकल के साथ अटैच्ड होगा इतना सुंदर में सुंदर से। तो वो चीज़ ध्यान में रखे हुए आपको यहाँ पे ईक्यू करना पड़ेगा। किसका ईक्यू कर रहा हूँ? रिवर्ब का ईक्यू कर रहा हूँ। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। ठीक है अच्छा इसके बाद मैं कंप्रेसर दूंगा, स्टॉक कंप्रेसर यूज कर रहा हूँ इस बारी। और मैं इसको साइड चेनिंग करूंगा किसके साथ? ऑडियो वन के साथ, क्योंकि यहां पे मेरा वोकल है। जुर्म की है सजा ये तो जाने सभी, हाँ जुर्म की है सजा ये तो जाने सभी, कोई मुजरिम क्यों बना। देखिए यहाँ पे जब कंप्रेसर अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या किया मैंने,
साइड चिनिंग किया वोकल के साथ, ठीक है। जब मेरा वोकल आएगा तब ये कंप्रेस हो जाएगा, मेरा ये सप्रेस हो जाएगा रिवर्ब, वोकल चला जाएगा तो रिवर्ब मेरा स्टैंड आउट करेगा उस टाइम पे। तो मैं इस टाइम पे कितना, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि मेकअप गेन जो है ये ऑफ होना चाहिए, ये ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। और आगे मैं कितना गेन रिडक्शन करना चाहता हूँ जब मेरा वोकल आ रहा है तो। जिंदगी ने कभी, ये आपको पूरा सुनते हुए करना पड़ेगा। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। हमारा पूरा फ्रेज जितना भी है, वर्ड है, वो सही तरह से सुनना चाहिए वोकल का, ओके। अभी हम ट्वीक करेंगे यहां पे। चलिए, जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। ठीक है, जिंदगी ने कभी, जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। जिंदगी ने, चलिए अभी हम यूज करेंगे मेरा एज डिले प्लगइन, एज डिले यूज करेंगे, सुनते हुए इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं दे के रखा था, ठीक है, चलो बस सुनते। जिंदगी जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, जिंदगी ने कभी फिर जिंदगी ने कभी जिंदगी ने कभी जिंदगी ने कभी। ठीक है, जिस गाने में, ये गाने के हिसाब से लगाना पड़ेगा आपको डिले, ठीक है, सुनते हुए। सब गाने में ये वाला चीज़ नहीं लगेगा, दूसरा गाने के लिए गाने का मूड पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिले देना पड़ेगा। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, ये बहुत ही पुराना गाना है, बट हम लोग ये रीअरेंज्ड किए हैं, तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम बनाएंगे। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर, जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन। एक इमेजर भी मैंने अप्लाई किया थोड़ा सा फैलाने के लिए, थोड़ा सा गूंज ले आने के लिए, बाद में हम वहां से जाके कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कंप्रेसर भी ऐड करेंगे और इसको साइड चेनिंग करेंगे वोकल के साथ, और ये प्री फेडर पे कर देंगे, क्योंकि मेरा को सिर्फ वोकल का सिग्नल की लेना है, ठीक है, ड्राई सिग्नल। जिंदगी ने कभी
फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। चलिए इसमें देखते हैं। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। चलिए इसको जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। जिंदगी ने कभी फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। क्या जब काम दिया जिंदगी ने कभी फिर सितमगर, जिंदगी ने क्या जब काम दिया दिया क्या जब ना दिया चलिए सुनते। प्यार जब ना दिया जिंदगी ने कभी, फिर सितमगर कौन हुआ, आदमी या जिंदगी। प्यार जब ना दिया जुर्म की है था कंप्लीट टच। पूरा इंटर देखिए हम लोग क्या क्या दिए हैं, फ्रीक्वेंसी फिल्टर, एक मल्टीबैंड कंप्रेसर भी यूज़ किए, नेक्स्ट स्टूडियो थोड़ा सा वाइड कराने के लिए, फिर एक डीएसआर दिया, लिमिटर दिया था थोड़ा सा राउंड अप करने के लिए और पॉलिश करने के लिए, थोड़ा सा सेचुरेशन ऐड करने के लिए एक फ्रेश एयर दिया प्लगइन। आगे मैं सेंड बास पे मैंने एक रिवर्ब दे दिया और इसका डिले दे दिया, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं दिखा दिया। तो ये था आज का वोकल प्रोसेसिंग एंड मिक्सिंग। आपको कैसे लगा ये वाला वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए। अगर ये हेल्पफुल रहा आपके लिए, कुछ अगर इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका कमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन पे जाके पूछिए, मेरा जितना दूर तक मेरा नॉलेज है मैं जाके डेफिनेटली आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फॉर द टाइमिंग आप हमारे साथ रहिए, ऑडियो इंजीनियरिंग परिवार के साथ रहिए और प्लीज़ आप लोग सब खुश रहिए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फॉर द टाइमिंग प्लीज टेक केयर एंड पीस आउट।